ये आपने पहले फीसद की कसर बनाई और कसर को आसान बना दिया। अच्छा, ये हर सवाल में ऐसा नहीं करना, जिसमें जो कहा जाए वो करना है, ऐसा ना हो जो भी आए आप हर एक में यही कर दें। आपने करना क्या होता है, जो आपसे कहा जाता है वो कर किया जाता है। जी दसवां। अच्छा जी, अब है जूज नंबर 10, 87 होल नंबर 1/2। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे आप, जो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन सादा फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन, सादा कसर है, और जो ये वाला फ्रैक्शन है ये मुरक। आप 2 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे। ये ठीक, आप सीख लें कि ये जो मखरज है इसे आप इस सही अदद से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसमें आप शुमार को निंदा प्लस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 87s are 174। चाहे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप अलग रफ अमल में कर लें, आप यूं कर सकते हैं। इधर आपने रफ वर्क के लिए ऊपर लिखा आपने आर डब्ल्यू रफ वर्क। अब आप क्या करेंगे, 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 7s are 14, 1 कैरी किया, 2 8s are 16 and 1 17। ठीक है, इसको हमने से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 174। और 1 को कहां लेके जाएंगे, प्लस कर देंगे 175 प्लस 175। क्या हो जाएगा 175/100। पहले तो ये 2 है, पहले तो ये 2 होगा 175/2। ये तो आपने क्या खत्म किया, कंपाउंड फ्रैक्शन को, मुरक्कब फ्रैक्शन को आपने सादा फ्रैक्शन बनाया। अब आप इसकी कसर बनाएंगे, क्योंकि ये फीसद है, 100 में से है, कसर बनाएंगे क्या करेंगे, इधर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या हो जाएगा 175/100। इस्माइल, आपको खुद भी समझ आ रही है कुछ? यस सर, साथ साथ आपने पढ़ते भी होंगे, तो ये हो गया 175/200। अब आप इसको मुख्तसर करेंगे, इसे क्या करेंगे, वो कैसे होगा, 5 3 15 2 25 हो गया 5 5 5 और 5 4 20। अब ये 5 के टेबल से और डिवाइड हो जाता है, 5 7 35 5 8 ये हो गया 7/8।